अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सेल्स मर्चेंडाइजर्स की बेसिकली यहाँ पे अभी फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे हायरिंग चल रही है। एक बहुत बड़ा रिटेलर है यहाँ पे, जिन लोगों को होम अप्लाइंसेस का सेल करने का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, LCD वगैरह, LED वगैरह, AC वगैरह का सेल्स करने का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। ये मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है बेसिकली कि एक साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। UAE का ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर होम कंट्री का भी है तो चलेगा, बट स्टिल लाइक प्रेफरेंस ऑब्वियसली। अगर लाइन में 10 लोग लगे हुए हैं और 10 में से एक बंदा UAE का एक्सपीरियंस है, 9 बाहर के, तो वो UAE वाले को पहले तरजीह देंगे, ठीक है। तो बहरहाल अप्लाई करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों, नेशनलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा रिटेलर है UAE के अंदर ऑब्वियसली। और ये लोग हायरिंग भी बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंपनी खुद हायरिंग नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी को बीच में डाला है कंपनी को, वो बेसिकली हायर करेगा, वीज़ा उनका होगा, कंपनी का नहीं होगा, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल्स थी। सैलरी रेंज तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान, तकरीबन 2800 होगी, प्लस इंसेंटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर सीन ये है कि जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर आप टारगेट को मीट करते हैं तो फिर आपको महीने का 500-600 हज़ार आपको जो है इंसेंटिव भी मिलता है, ठीक है। तो अप्लाई करने का तरीका नीचे मैंने कंपनी का जो है ईमेल एड्रेस डाल दिया है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लाइन मेंशन कर लें, लिख लें सब्जेक्ट, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। सेल्स मर्चेंडाइजर DXB उसका पूरा फॉर्मेट लिखा है, वहां से कॉपी करें, नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके वहां सब्जेक्ट में डालें और अपनी CV अटैच करें और ईमेल एड्रेस नीचे है उसके ऊपर सेंड कर दें अलग नाम लेके, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ज्यादा ताकि लोगों को फायदा हो, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।